मैं 2011 से NLR से जुड़ा हुआ हूँ और 11 के बाद में मैंने MDT खाई। मैं खुद लेप्रोसी पेशेंट हूँ और आगे चल करके सेल्फ केयर भी किया, बहुत तरह से उससे फ़ायदा मिला मुझको। फिर 2016 से मैं अपने BBM के माध्यम से नए नए जो रोगी लेप्रोसी वाले मिलते हैं उनको ले आकर के हॉस्पिटल तक पहुंचाता हूं, उन्हें दवा दिलवाता हूं और Grade 2 का सर्टिफिकेट बनवाना और उनको पेंशन करवाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है। और कई तरह के जो काम लेप्रोसी के लिए जो होता है उनको सेल्फ केयर का माध्यम जो होता है उसको समझाना, और किसी तरह का भी कोई दिक्कत होता है तो लोगों के सबसे संपर्क करना। NLR फाउंडेशन के नेतृत्व में जो हमारे गो प्रखंड में सेल्फ केयर शिविर लगा था, उसी शिविर में NLR से मुझे जुड़ने का सौभाग्य हुआ और उस शिविर में हम कुल 54 पेशेंट एक साथ सेल्फ केयर का काम करते थे। सभी सदस्यों को देखने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि इन सबों में मैं जुड़ा हूँ, अगर इनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और साथ ही साथ NLR का मार्गदर्शन हमें मिला और सौभाग्य मिला कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। इस क्रम में सर्वप्रथम तो उनका प्रमाणीकरण और बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण का लाभ NLR के माध्यम से ही करवाने में सफल रहे। कुछ दिनों के बाद सरकार द्वारा एक और स्कीम आया जो उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए लाया गया था, परवरिश योजना। हमने वैसे लाभार्थियों को चयन किए जिनके बच्चे पढ़ रहे थे जो 18 वर्ष से कम थे, उनमें से हम गो प्रखंड के 22 बच्चों को परवरिश योजना का लाभ दिलाने का काम किया। इसके बाद समूह के माध्यम से जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, उसमें अपने सभी लेप्रोसी साथियों को उस समूह में भी जोड़ा ताकि वह समाज में अलग थलग ना हो। और साथ ही साथ समूह के माध्यम से ही हमने एक जागरूकता कैंपेन, समय समय पर जो NLR के मार्गदर्शन में मिलता था उसका भरपूर प्रचार किया करता था अपने गांव में, सुदूरवर्ती गांव में। और इससे फायदा हुआ कि कुछ नए पेशेंट में जो आए जिन्हें PHC में भेजने की जरूरत थी और उन्हें भेजा गया और उन्हें MDT खिलवाकर अपने आप को इस सौभाग्यशाली समझकर उन्हें दिव्यांग होने से बचा पाने में कहीं न कहीं सफलता हासिल की है। क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो MDT खाने के बाद दिव्यांगता से बच गए। और जब तक मेरा प्रयास रहेगा अभी और जो हमारा समूह चल रहा है उसके माध्यम से तथा साथ ही साथ जो NLR के माध्यम से या और समाज के किसी और तबके से माध्यम से भी हमें अगर लेप्रोसी उन्मूलन में कुछ करने का सौभाग्य मिलता है तो मैं आजीवन करता रहूंगा। अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया हूँ ताकि हमारे जितने भी संपर्क में कम से कम लेप्रोसी से बचे, और भगवान ना करे अगर लेप्रोसी से पीड़ित हो भी गए तो कम से कम दिव्यांगता से तो बचा ही जा सकता है, यही हमारी प्रयास रहेगी। मेरा नाम साई पूर्णिमा कुमारी है, मैं आसादान लेप्रोसी कॉलोनी में रहती हूँ। मैं यहाँ पे एक चेंज एजेंट के रूप में कार्य करती हूँ। यहाँ पे हमारा कार्य है कि जो लोग लेप्रोसी है उन लोगों की सेवा करना, उनको बैंडेज वगैरह जो प्रोवाइड किया जाता है सरकार द्वारा, जो हमारे चक्रवर्ती सर ने सरकार को बोलते हैं और सरकार फिर आके जो हमारे सरकार के कर्मचारी आके यहाँ जो प्रोवाइड करके जाते हैं बैंडेज गोस्थन ये सब का जो उपयोग वो लोग करते हैं। कभी कभी हम लोग भी वो लोग को बैंडेज और ड्रेसिंग करने में मदद कर देते हैं। चक्रवर्ती सर ने हम लोग को BPSN ट्रेनिंग दिया था जिसका उद्देश्य है लुक लाइक लुक लिसन और लिंक। इसका ये है कि हम लोग जो भी कोई पेशेंट है, जैसे मतलब किसी को फैलेरिया हो गया है या फिर लेप्रोसी है, तो उसको पहले देखना, उसका सुनना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका मानसिक संतुलन के बारे में जानना, उसके बाद उसको किसी सरकारी संस्था या हम लोग चक्रवर्ती सर से लिंकअप करवा देते हैं और चक्रवर्ती सर ने कोई सरकारी सहायक लेके उन्हें फिर उस चीज का भरपाई करते हैं। जो लेप्रोसी है वो लोग को सुझाव देते हैं कि मतलब ठंडा पानी में पैर को डुबा के रखना है, उसके बाद उसमें सरसों का तेल लगा के अपना पैर का तलवे को चमड़ी को नरम रखना है और आग नहीं सेकना है, क्योंकि उनका लेप्रोसी के कारण उनका स्किन, उसका त्वचा
वो सुन हो जाती है। आग ज्यादा आग सेकने से उसमें फफोले भी हो सकते हैं। यही सब करने के लिए ही हम लोग को चेंज एजेंट बनाया गया है और हमारा कार्य को हम लोग अच्छे तरीका से करते हैं। इसमें कोई मतलब सुनवाई नहीं की जाती है और इसी का सुझाव देने के लिए चक्रवर्ती सर ने हम लोग को चुना गया है। जी नमस्ते, मैं अभिमन्यु कुमार गौर, ग्राम सिंधुगढ़, पोस्ट थाना अरौली बाजार, जिला कुशीनगर, ब्लॉक सुकरौली। बीते 2023 में एनएलआर इंडिया फाउंडेशन डॉक्टर विपिन सिंह द्वारा मैं चेंज एजेंट बना हूँ। जैसे कि कुष्ठ रोगियों के बारे में, जो कि मतलब कुष्ठ रोग से पीड़ित है, वो कुछ नहीं जानते हैं। जैसे उनको मान लीजिए पेंशन लाभ मिला, चाहे कुछ भी लाभ मिला है, वो लोग नहीं जानते हैं। हमें बनाया गया चेंज एजेंट एनएलआर फाउंडेशन से, ब्लॉक सुकरौली के माध्यम से। मैं तमाम प्रकार के 12-13 लोगों का मतलब मैं पेंशन बनवा चुका हूँ और उन लोगों की हर एक प्रकार के लाभ मैं मतलब बना दिया हूँ ब्लॉक और जिला प्रशासन के माध्यम से। जो है कि 12 हमारे गांव के एक सोहित हैं और एक विशुन है, एक इसराइल है, जो कि ये लोग नहीं जानते थे कि मतलब कुछ रोग के उसे पीड़ित थे, लेकिन जानते नहीं थे कि इन लोगों का पेंशन मिलेगा या कुछ भी मिलेगा। जो कि हमें जब से पता चला, मैं तत्काल फौरन उनके घर गया, उनसे पता बातचीत किया और उनके तुरंत उनको वहाँ जिला पर भेजा कागज़ बनवाने के लिए। वो लोग तुरंत गए कागज़ बनवाए और इस महीने में उन लोगों का पेंशन भी आ चुका है, जो कि मुझे बहुत अपार खुशी की बात है। और मैं कुष्ठ उन्मूलन के लिए काम करता हूँ और एनएलआर इंडिया फाउंडेशन से हम जुड़कर मतलब काम करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं मतलब अपने गांव से दूर दूर जाकर मतलब मैं खोजता हूँ कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। जैसे कि मान लीजिए किसी का उंगली स्टार्ट नहीं हो, चाहे उंगली कट गया हो, चाहे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, ऐसे लोगों को मैं खोज कर जिला अस्पताल पर पहुँचाता हूँ और इन लोगों का पेंशन से लेकर हर एक प्रकार के मतलब मैं सब सम्मान करता हूँ और हर प्रकार का मतलब इन लोगों का लाभ भी दिलाने के लिए विपिन सर से दिलाने के लिए लाभ लेता हूँ। और एनएलआर इंडिया फाउंडेशन बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है। नमस्ते, मैं विदुकर्मकार महात्मा गांधी पुष्ट कॉलोनी से हूँ और मैं एक एनएलआर एजेंट हूँ और मैं कुष्ठ लोगों की मैंने ये करती हूँ, सेवा करती हूँ। और मैं कुष्ठ लोगों को पहला देखती हूँ कि लोग का क्या घाव है, फिर लोग से सुनती हूँ कि लोग क्या दिक्कत है, फिर उसके अनुसार हम लोग को बताते हैं कि आप एक टप में पानी लें, फिर अपने पैरों को भिगोएं, फिर उसमें सरसों का तेल लें, फिर बीच बीच में आप अपने पैरों को चेक करते रहें कि उसमें कंकड़ वगैरह तो नहीं गए हैं। और इसी सहयोग के साथ चक्रवर्ती सर हम लोग के साथ भी हैं और चक्रवर्ती सर हम लोग के यहाँ बहुत सहयोग करते हैं। चक्रवर्ती सर हम लोग का यहाँ बैंडेज, तुला, जैसे कि वैसा की और भी चीज़ों की मदद करते हैं, जैसे बच्चों लोग की पढ़ाई में भी मदद करते हैं और बहुत कुछ ऐसे हैं जो हम लोग को मदद करते हैं। चक्रवर्ती सर के द्वारा हम लोग से मदद हम लोग को होती है, हम लोग को लेप्रोसी भाई बहनों लोग को, लेप्रोसी लोग को, सबको मदद मिलती है। इसी प्रकार हम लोग एलएनआर में काम करते हैं और सोचते हैं कि आगे से बेटर काम हो और हो, आगे से अच्छा काम हो, कुष्ठ को और सुविधाएं मिले, कुष्ठ को बच्चे बाल बच्चों को और सुविधाएं मिले। उस प्रकार से हम लोग काम करते हैं एक चेन एजेंट के द्वारा। और चक्रवर्ती सर हम लोग को बहुत मदद करते हैं। कुछ सप्ताह पहले चक्रवर्ती सर यहाँ आए थे और कुछ लेप्रोसियों को यहाँ जिसकी ज़रूरत थी उसे वैसाखी दे के गए हैं। ऐसे ही चक्रवर्ती सर हम लोग को बताते हैं, सिखाते हैं, हम लोग सीखते हैं, ऐसे ही हम लोग कुष्ठ लोगों की मदद करते हैं। बस इतना ही, मैं भी तो कर्मों का धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक कालिंदी है, मैं एक चेन एजेंट हूँ नवदिगंत लेप्रोसी कॉलोनी का और मैं जुड़ा हुआ हूँ एनएलआर इंडिया फाउंडेशन के तरफ से पिछले 12 साल से। तो एनएलआर इंडिया फाउंडेशन ने हम लोग का गांव में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किए हैं, जिसमें से मेंटल वेलबींग, एडुकेशन सपोर्ट, उसके बाद हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत सारे काम किए हैं। मैंने पर्सनली बेनिफिटेड हुआ हूँ एनएलआर के माध्यम से एवं बाकी सब गांव को भी बेनिफिट देने की प्रयास कर रहा हूँ।
गांव में बहुत सारे काम, जैसे कि मान लीजिए आपका पॉली हाउस, उसके बाद फिश फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, वर्मी कंपोस्ट, ऐसे जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर फील्ड में, ये सब भी मैं सिखाता हूँ और इसमें से कुछ इनकम जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। एनलाल ने मुझे बहुत सारा सहयोग किया है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 12 साल से जो बॉन्डिंग है एनएलआर के माध्यम से हमारे गांव में, वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है और आगे भी होता रहेगा, ये मैं दुआ करता हूँ, ये आशा करता हूँ। कुछ आश्रम में रहते हैं और हम लोग ने पहले जब स्टार्टिंग में 89 में हम आए थे यहाँ पर, तो उस समय हम लोग का हाथ पाँव को किस तरह अपने आप को सुरक्षा में रखना है इसके भी जानकारी का अभाव था हम लोग के पास। एनएलआर के द्वारा हम लोग को सेल्फ केयर ग्रुप पे चला करके सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनाया गया और हम लोग अपने सबसे प्रथम में अपने शरीर को किस तरह से किस ढंग से अपने बचाव का जानकारी हमको एनएलआर के द्वारा मिला। उसके बाद फिर जा करके अपने शरीर के बाद हमारे बच्चों को किस तरह मैंने आगे बढ़ाया जाए इस पर काम हुआ। इस पर मैंने बच्चे लोग को स्कूल में एडमिशन कराना, उसका फीस देना, ड्रेस देना, कॉपी किताब देना और मैंने ट्यूशन का भी व्यवस्था, स्कूल के अलावे ट्यूशन का भी व्यवस्था टीचर रख के कराया गया। उससे पहला मेरा बच्चा हुआ कि इस आश्रम के अंदर में मैट्रिक पास करवाए हमारे बच्चे सबसे पहले यहाँ पर। फिर उसका देखा इसकी बहुत सारे बच्चे को एनएलआर का सपोर्ट से मैट्रिक इंटर अच्छे मैंने बीएससी नर्सिंग वगैरह जीएनएम ये सब बच्चे लोग कर रहे हैं, तो नीचे से हम लोग को बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट मिला एनएलआर का कि हम लोग आगे बढ़ पाए और पढ़ाई शिक्षा में हम लोग प्रवेश किए। तो शिक्षा नाम का हमारे आश्रम में कोई नाम नहीं था। उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ के सारे कुष्ठ रोगियों को पेंशन दिलाना, सर्टिफिकेट दिलाना और एनएलआर का सहयोग लेते हुए भी हम लोग यहाँ का सारे जमीन है, घर है, ड्रेसिंग का सारा काम हम देखते हैं और उनसे बीच बीच में गाइडलाइन हमको मिलता है और हम लोग को कुछ सपोर्टिंग भी कहीं कभी कभी मैंने कुछ बजट के अनुसार मिल जाता है खर्चा के लिए, भागदौड़ के लिए, और हम लोग इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम जया है और मैं पटेल नगर के लोकमाता कुष्ठ आश्रम में रहती हूँ और इस कॉलोनी के लिए जो मैं काम करती हूँ और यहाँ पे मैं क्या बदलाव लेकर आ रही हूँ उसके बारे में आपको एक छोटा सा जानकारी मैं दे रही हूँ। यहाँ पे कॉलोनी में मैं पिछले 40 से 45 साल से रह रही हूँ और इस कॉलोनी में मैंने जो है लोगों के बीच में ये जागरूकता लेकर आई हूँ कि जो भी लेप्रेसी से अफेक्टेड पर्सन है उनके बीच में अगर हम रहते हैं तो हमें ये बीमारी नहीं लगती और इस अवेयरनेस को मैं जाके हमारे आसपास के कॉलोनी वालों को भी बताती हूँ जिससे लोगों में ये जागरूकता आई है कि ये जो बीमारी है इतनी जल्दी लगती नहीं है। यदि कोई 10 से 15 साल इनके साथ में रहता है जो मेडिसिन नहीं खाते तब ये बीमारी की बैक्टीरिया एक दूसरे में पनपती है और बीमारी लगने का डर होता है। और इस कॉलोनी में जो है मैंने यहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते थे तो उन सारे बच्चों को मैंने जागरूक किया है स्कूल जाने के लिए। अब हमारी कॉलोनी के जो बच्चे हैं प्रत्येक घर में जितने भी बच्चे सारे स्कूल जाते हैं और उनके स्कूल के लिए जो भी स्टेशनरी की जरूरत होती है तो एनएलआर वाले हमें सपोर्ट करते हैं। एनएलआर जो है बच्चों के एजुकेशन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो हर बच्चों की मदद करके उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आगे उनके पैरों पे खड़े होने तक के लिए उनको मदद करते हैं। और यहाँ पे जो है एनएलआर के मार्गदर्शन से हम लोग ने एक सिलाई क्लास शुरू की है जहाँ पे इस कॉलोनी के महिलाएं जो सिलाई सीखती हैं और वो अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कई महिलाओं ने अपना रोजगार शुरू भी किया है।